हानियास किचन में आपका स्वागत है। बेहतरीन, जायकेदार और लजीज पकवान सीखने के लिए हानियास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बकरीद स्पेशल में आज हम मटन कोफ्ता बनाएंगे। मटन कोफ्ता बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं 500 ग्राम्स मटन कीमा। कीमे को आप मशीन में कुटवा लीजिएगा और इसका दबा दबा के पानी निकाल दीजिएगा हाथ से या मसलिन क्लॉथ से। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 हरी मिर्च, 1 मीडियम कटोरी कोथमीर, 12 से 15 काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। गरम मसाला पाउडर में मैंने मिर्च का लिया है। 1/2 टेबल स्पून दलिया, भुनी हुई दलिया है ये। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसे एकदम बारीक सा पीसिएगा। आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कीजिएगा। देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम बारीक सा पीस लिया है। अब ये हम कीमा इसमें डाल देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स कीमे में एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। मैंने इसमें दलिया यूज़ किया है बाइंड करने के लिए कीमे को, ताकि वो फटे नहीं जब हम इसे तलेंगे। अब इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब इसे वापस पीस लीजिए। देखिए सारा इंग्रेडिएंट्स मटन में कीमा में ब्लेंड हो चुका है। देखिए इतना इतना बारीक पीसिएगा। अब हम इस कीमे का छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मैंने हाथ को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। अब अपने हिसाब से बॉल्स बनाइएगा। अगर आपको और छोटे चाहिए तो आप और छोटे बना सकते हैं। अच्छे से इसे राउंड कीजिएगा ताकि फटे नहीं अगर हम जब तले तो। इस तरह आप सारे बैटर का बॉल बना लीजिए। सारे बैटर का मैंने कोफ्ता बना लिया है। अब इस कोफ्ते को हम डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम तेल को मीडियम हॉट करेंगे। जब तेल आपका मीडियम हॉट हो जाए तो आप गैस को मीडियम आंच पे कर दीजिए। फिर उसके बाद एक के बाद एक करके हम इसे कोफ्ता डाल देंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते को डीप फ्राई कर लेंगे। जब आपका कोफ्ता एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे पलट दीजिए। हमें चारों तरफ से कोफ्ते को गोल्डन ब्राउन करना है। गैस को अब आप स्लो आंच पे कर दीजिए ताकि कोफ्ता एकदम अच्छे से अंदर से भी हो जाए। अब बीच बीच में आप इसे इस तरह फ्लिप करते रहिए। देखिए हमारे कोफ्ते एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं चारों तरफ से। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे टिश्यू पे निकाल लीजिए। अब कोफ्ते को आप सर्विंग बोल में निकाल लीजिए। हमारा बकरीद स्पेशल कोफ्ता रेडी है। आप ऊपर से इस पर नींबू स्क्वीज कर लीजिए इस तरह। इसे गर्मा गर्म पुदीने की चटनी के साथ खाइए। अगर आपको इसके कोफ्ते की ग्रेवी देखनी है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए किस तरह मैंने कोफ्ते की ग्रेवी बनाई है।